नमस्कार, बीजेपी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में फिर वापसी के लिए शरद पवार को सिर्फ एक बार महाराष्ट्र दौरे की जरूरत है। तो रायगढ़ जिले में शवों की अदला बदली की हैरान करने वाली खबर सामने आई है। परिवार को शव की पहचान उनकी मूंछों के फर्क से पता चली। वहीं महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख विनीत अग्रवाल ने कहा कि पीएफआई ने लोगों को अपराध करने के लिए उत्साहित करके 2047 तक इस्लामिक देश बनाने की योजना तैयार की थी। तो उधर अहमदनगर जिले में स्थित हिवरे बाजार आज अपनी अमीरी के लिए प्रसिद्ध है। हिवरे बाजार ने अपने बूते देश में नई मिसाल कायम की है। इस गांव को भारत का सबसे अमीर गांव कहा जाता है। इसी बीच एनसीबी ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस बोलीवियाई महिला को 13 करोड़ रुपए मूल्य की 3.2 किलोग्राम ब्लैक कोकिन के साथ गिरफ्तार किया है। प्रदेश की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से जुबानी जंग काफी तेज है। विपक्ष और बीजेपी शिंदे गुट आमने सामने है। चूंकि शिंदे के शिवसेना से बगावत के कारण ही उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और राकांपा सुप्रीमो शरद पवार के बनाए समीकरण बिगड़ गए थे। राजनीतिक के चाणक्य माने जाने वाले पवार ने भी इसका अंदाजा नहीं किया था, इसलिए हैरान परेशान रहे और अभी भी है। पार्टी की स्थिति को लेकर परेशानी जायज भी है। इसी बीच एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में फिर वापसी के लिए शरद पवार को सिर्फ एक बार महाराष्ट्र के दौरे की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र ने शरद पवार को सबसे ज्यादा प्यार तब दिया जब वो विपक्ष में थे। सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि महाराष्ट्र ने आपको प्यार दिया है, लेकिन महाराष्ट्र ने आपको सबसे ज्यादा प्यार तब दिया जब आप विपक्ष में थे। शरद पवार ने अपने 55 साल के कार्यकाल में राजनीति और सामाजिक कार्यों में सबसे अधिक उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने जितने उतार चढ़ाव देखे उतने ही अनुभव किए। उनके सत्ता में 27 साल और विपक्ष में 27 साल गए। सुले ने यह भी उल्लेख किया कि पूरे महाराष्ट्र ने देखा है कि जब शरद पवार विरोध में जाते हैं तो वो दौरे पर जाते हैं। रायगढ़ जिले में शवों की अदला बदली की हैरान करने वाली खबर सामने आई है। परिवार को शव की पहचान उनकी मूंछों के फर्क से पता चला। पूरी घटना हॉस्पिटल के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से हुई। मिली जानकारी के मुताबिक अलीबाग तहसील के पेजरी गांव के निवासी 62 साल के रमाकांत पाटिल की एमजीएम हॉस्पिटल में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की वजह से मौत हो गई थी। वहीं उसी हॉस्पिटल में पनवेल तहसील के दहीवली गांव के रहने वाले 67 साल के राम पाटिल की किडनी और लीवर संबंधी रोग के चलते मौत हो गई थी। गमजदा परिवार को शव सौंप दिए गए। दाह संस्कार से ठीक पहले रमाकांत पाटिल ने रिश्तेदारों को एहसास हुआ कि मृतक की मूछें अलग थी। इसके बाद हंगामा मच गया। जब इस मामले में हॉस्पिटल से संपर्क किया तो वहां के स्टाफ ने किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी को स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। दोनों मृतकों के परिजन एमजीएम हॉस्पिटल पहुंचे, शवों को लेकर अपने अपने दावे किए गए। इसके बाद हॉस्पिटल प्रशासन ने शवों की अदला बदली की पूरी व्यवस्था की। इसी बीच हॉस्पिटल प्रबंधन ने एक बयान में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि दोनों परिवारों ने शवों को ले जाने से पहले उन्हें देखा था। इस घटना को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चा है। लोग अस्पताल प्रबंधन को इस लापरवाही के लिए कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया टारगेट किलिंग की तैयारी में जुटा हुआ था। पीएफआई का मुख्य उद्देश्य था टारगेट को पहचानना और उसे खत्म कर देना। यह बड़ा खुलासा महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख विनीत अग्रवाल ने किया है। उन्होंने कहा कि पीएफआई ने लोगों को अपराध करने के लिए उत्साहित करके 2047 तक इस्लामिक देश बनाने की योजना तैयार की थी। प्रतिबंध के बाद संगठन पीएफआई को 5 सालों के लिए बैन कर दिया गया है। अब उन्हें कानूनी मंच को छोड़कर किसी भी मंच पर फिर से इकट्ठा होने या विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। हम उनके डेटा को दोबारा हासिल करने के लिए तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर हमारी कार्यवाही जारी है और हम उनके अन्य खातों को भी फ्रीज कर देंगे। विनीत अग्रवाल ने कहा कि पीएफआई के सदस्य उनके उपदेश में शामिल लोगों को आत्मरक्षा के लिए ईंट और अन्य नुकीली चीज अपनी छतों पर रखने के लिए प्रेरित करते थे। पीएफआई के कुछ सदस्य खुद को सामाजिक विकास और शारीरिक शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों के रूप में दर्शाया करते थे और लोगों को जुटाते थे, फिर भड़काऊ भाषण देते थे। एटीएस के मुताबिक पीएफआई लोगों के मन में एक डर पैदा कर रहा था और संगठन से जुड़ने के लिए लोगों को इस बात के लिए राजी कर रहा था कि वे सब भारत में सुरक्षित नहीं है और ऐसे में भारत को जल्द से जल्द इस्लामिक स्टेट बनाना पड़ेगा। अहमदनगर जिले में स्थित हिवरे बाजार आज अपनी अमीरी के लिए प्रसिद्ध है। हिवरे बाजार ने अपने बूते देश में नई मिसाल कायम की है। इस गांव को भारत का सबसे अमीर गांव कहा जाता है। गांव में ज्यादातर लोग करोड़पति है।
करीब 305 घरों में से लगभग 80 परिवार करोड़पति के वर्ग में आते हैं, जिनकी सालाना इनकम करीब 10 लाख रुपयों से अधिक है। वहीं इस गांव में केवल 3 ऐसे परिवार हैं जिनकी सालाना इनकम 10,000 से भी कम है। हालांकि आज ये गांव ऐसा है, पहले वैसा नहीं था। दरअसल 80 से 90 के दशक में इस गांव के लोगों को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा था। हालात इतने खराब हो गए थे कि इस गांव में पीने के लिए पानी तक नहीं था। लोग गांव से पलायन करने लगे थे। गांव में बचे कुछ लोगों ने गांव की समस्याओं को खत्म करने के लिए पूरा मन बना लिया था। साल 1990 में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई। इसके तहत गांव में कुएं खोदने और पेड़ लगाने का काम श्रमदान के माध्यम से शुरू किया गया। इसके बाद सरकार की योजना और आलू प्याज की खेती यहां लोगों की इनकम का स्रोत बन गया। गांव में खुशहाली वापस आई तो राज्य सरकार ने भी उन्हें फंड देना शुरू कर दिया। साल 1994 से 95 में सरकार ने आदर्श ग्राम योजना शुरू की, जिसने इस कार्य को और तेजी दे दी। आज इस गांव में लगभग 340 कुएं हैं और पानी के स्तर में भी काफी वृद्धि हुई है। इस गांव में हरियाली और खूबसूरती किसी का भी दिल जीत सकती है। बिजली और पानी की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे गांव में कहीं भी एक मच्छर देखने को नहीं मिलेगा। एनसीबी ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस बोलीवियाई महिला को 13 करोड़ रुपए मूल्य की 3.2 किलोग्राम ब्लैक कोकीन के साथ गिरफ्तार किया। देश में अपने तरह का ये पहला मामला बताया जा रहा है। 3 किलोग्राम से अधिक ब्लैक कोकीन की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 3 करोड़ रुपए आंकी गई है। उसके पास से ब्राजील से लाया गया प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त कर लिया गया है। एनसीबी की मुंबई जोन के एक अधिकारी ने बताया कि इस ब्लैक कोकीन के बारे में हमारे पास पिन पॉइंट जानकारी थी। इस ब्लैक कोकीन को मुंबई से गोवा ले जाने वाले थे। एनसीबी का ऑपरेशन अभी भी जारी है। अधिकारी ने कहा कि इस मामले में पूरे 3 दिन तक अभियान चला। बोलीविया की महिला ब्राजील से गोवा जा रही थी और इसी दौरान वो अदिस अबाबा इथोपिया और मुंबई में रुकी थी। महिला मुंबई से गोवा के फ्लाइट पर सवार होने वाली थी जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अहम जानकारी ये कि ब्लैक कोकीन को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ब्लैक कोकीन की स्मेल स्नीफर डॉग भी नहीं पकड़ पाते हैं। इससे पीछे की बड़ी वजह यह है कि सामान्य कोकीन की स्मेल आती है, लेकिन ब्लैक कोकीन में 1% भी स्मेल नहीं आती है। इसकी वजह से ब्लैक कोकीन को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ब्लैक कोकीन की पहली बार भारत में स्मगलिंग की गई है। दरअसल कोकीन में अन्य पदार्थ मिलाकर उसे ब्लैक कोकीन बनाया जाता है, ताकि धातु मोल्ड के रूप में या किसी और रूप में उसकी तस्करी हो सके और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों की निगाहों से उसे बचाया जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष पद की लड़ाई अब त्रिकोणीय हो गई है। सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद शशि थरूर और झारखंड कांग्रेस नेता के एन त्रिपाठी ने पार्टी चीफ के लिए नॉमिनेशन फाइल किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के नए संसद भवन लगाई गई शेर की मूर्ति कानून का उल्लंघन नहीं करती है। वही कर्नाटक में कांग्रेस और राहुल गांधी के पोस्टर फटने की खबरों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मियां ने भारतीय जनता पार्टी और राज्य की पुलिस को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता राज्य में खुलकर नहीं घूम पाएंगे। तो उधर प्रधानमंत्री ने आज सुबह गांधीनगर में अहमदाबाद तक वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तम्मांग के राजनीतिक सचिव पर धर्मांतरण में शामिल होने का आरोप लगाया है। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव को लेकर स्थिति अब साफ होती दिख रही है। सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद शशि थरूर और झारखंड कांग्रेस नेता के एन त्रिपाठी ने पार्टी चीफ के लिए नॉमिनेशन फाइल किया है। ऐसे में कांग्रेस की टॉप पोस्ट के लिए त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। थरूर ने नॉमिनेशन फाइनल किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि खड़गे साहब का बहुत सम्मान करता हूं। अगर कई लोग नामांकन दाखिल करेंगे तो अच्छी बात है और लोगों को भी विकल्प मिलेगा। मैंने किसी को नीचा दिखाने के लिए ऐसा नहीं किया है। हमें एक साथ काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि वे हमारी पार्टी के भीष्म पितामह हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज ही पार्टी अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। उनकी उम्मीदवारी के प्रस्तावकों में पार्टी नेता अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, प्रमोद तिवारी, पीएल पुनिया, एके एंटनी, पवन कुमार बंसल और मुकुल वासनिक शामिल रहे। कांग्रेस में बदलाव की वकालत करने वाले G23 समूह के नेता आनंद शर्मा और मनीष तिवारी भी खड़गे के नामांकन के प्रस्तावकों में शामिल थे। तिवारी ने कहा कि खड़गे पार्टी के सबसे अनुभवी नेताओं में शामिल है और दलित भी है। वहीं झारखंड कांग्रेस नेता के एन त्रिपाठी ने भी पार्टी अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरा है। नॉमिनेशन के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं के फैसले का सम्मान किया जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज ही पार्टी चीफ के चुनाव से पीछे हट गए। भारत के नए संसद भवन में लगाई गई शेर की मूर्ति कानून का उल्लंघन नहीं करती है।
आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है। साथ ही कोर्ट ने आक्रामक मूर्ति के दावे पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने याचिका को खारिज किया और कहा कि ये व्यक्ति के दिमाग पर निर्भर करता है। दरअसल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के हिस्से के तहत संसद भवन पर शेर की मूर्ति स्थापित की गई थी। राजनीतिक दलों की तरफ से इस पर सवाल उठाए गए थे। इस मामले में दो वकील अल्दनीश रैन और रमेश कुमार की तरफ से याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि नई मूर्ति स्टेट एम्बुलेंस ऑफ इंडिया एक्ट 2005 में मंजूरी प्राप्त राष्ट्रीय प्रतीक की डिजाइन के विपरीत है। हालांकि जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना भी था कि इसमें सत्यमेव जयते का लोगो नहीं है। बहरहाल कोर्ट ने माना कि इस मूर्ति के निर्माण में कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। साल 1950 में 26 जनवरी को राज्य प्रतीक को नए गठित गणतंत्र के चिन्ह और मुहर के रूप में लाया गया था। वही प्रतीक साल 2005 में अस्तित्व में आया। याचिका में कहा गया है कि प्रतीक में शामिल शेर क्रूर और आक्रामक नजर आ रहे हैं, जिनका मुंह खुला हुआ है और दांत दिख रहे हैं, जबकि सारनाथ में मूर्ति के शेर शांत नजर आ रहे हैं। आगे कहा गया है कि चारों शेर बुद्ध के विचार दिखाते हैं। याचिका के अनुसार ये महज एक डिजाइन नहीं है, इसका अपना सांस्कृतिक महत्व है। कर्नाटक में कांग्रेस और राहुल गांधी के पोस्टर फटने की खबरों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भारतीय जनता पार्टी और राज्य की पुलिस को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता राज्य में खुलकर नहीं घूम पाएंगे। केरल में 400 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करने के बाद अब भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में प्रवेश करने जा रही है। खबरें सामने आई थी कि भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत में गुंडलपेट में लगे पोस्टर फटे हुए पाए गए थे। इसमें राहुल और पार्टी के अन्य नेताओं के पोस्टर भी शामिल थे। कांग्रेस नेताओं ने इसका जिम्मेदार भाजपा कार्यकर्ताओं को बताया था। वायनाड सांसद की अगुवाई में जारी पदयात्रा कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई है। 5 महीनों के दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर तक की दूरी तय करेंगे। सिद्धारमैया का कहना है कि वे हमारे पोस्टर और फ्लैग में तोड़फोड़ कर रहे हैं। मैं उन्हें चेतावनी दे रहा हूं कि अगर उन्होंने ऐसा करना जारी रखा तो कर्नाटक में भाजपा का कोई भी नेता खुलकर नहीं घूम पाएगा। राज्य में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास ऐसा करने की ताकत है। इस दौरान उन्होंने खुलकर पुलिस को भी चेतावनी दे दी। पूर्व सीएम ने बताया कि उन्होंने गुरुवार और इससे पहले भी पुलिस से बात की थी। सिद्धारमैया ने कहा कि वे इस तरह के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पुलिस विभाग से कहना चाहूंगा कि अगले 6 महीनों में सरकार बदल जाएगी, कांग्रेस सत्ता में वापस आएगी और मैं ये चेतावनी पुलिस को भी दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री ने आज सुबह गांधीनगर से अहमदाबाद तक वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद ट्रेन में यात्रा की, फिर उन्होंने अहमदाबाद मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया और मेट्रो के जरिए यात्रा की। इस दौरान पीएम ने बच्चों महिलाओं से बात की। इसके बाद पीएम ने वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन का लोकार्पण किया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अर्बन कनेक्टिविटी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। जो लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं उन्हें वंदे भारत ट्रेन पसंद आएगी। उन्होंने कहा कि शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया जा रहा है। केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद हमने लंबित कार्यों को क्रियान्वित किया। पीएम ने कहा कि आज का भारत स्पीड को गति को जरूरी मानता है, तेज विकास की गारंटी बनाता है। एक समय था जब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर घोषणाएं सिर्फ चुनावी नफे नुकसान को ध्यान में रखकर होती थी। हमें युवाओं में संवेदना जगानी होगी ताकि वो देश की प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए। 180 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली वंदे भारत ट्रेनें देश की दिशा और दशा दोनों बदलेंगे, ये मेरा विश्वास है। अगले साल हम 75 वंदे भारत ट्रेनों चलाने के लक्ष्य में तेजी से काम कर रहे हैं। जब आप मेरे देश की नई पीढ़ी को ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे भविष्य के लिए है, जब उसे ये एहसास होगा तो वो किसी आंदोलन में किसी प्रॉपर्टी पर हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा। उसको उतना ही दर्द होगा जितना अपनी प्रॉपर्टी के नुकसान पर होता है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के राजनीतिक सचिव पर धर्मांतरण में शामिल होने का आरोप लगाया है। इसे लेकर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा है, जिसमें कहा गया है कि तमांग के राजनीतिक सचिव जैकब खलिंग राय अपने पद का इस्तेमाल सिक्किम में ईसाई धर्म फैलाने के लिए कर रहे हैं। विहिप नेता आलोक कुमार एक सीनियर वकील भी है। उन्होंने कहा कि सिक्किम के विधायक नरेंद्र कुमार सुब्बा ने मुझसे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुझे सिक्किम में ईसाई धर्म और संस्थानों के प्रचार के लिए जैकब खलिंग राय की भागीदारी की जानकारी दी। ये पता चला है कि राय राज्य में ईसाई धर्म के प्रचार और धर्मांतरण के लिए अपने पद का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव का कार्यभार और ईसाई धर्म को बढ़ावा देने में लगे पादरी की जिम्मेदारी अलग अलग होती है। इसे मिलाने से बचने की जरूरत है।
दूसरी तरफ सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने इससे बेखबर लोगों का दिल जीतने के लिए एक साल 1 अक्टूबर से आशा कर्मियों का मासिक वेतन 60% से अधिक बढ़ाकर 10,000 रुपये महीना करने की घोषणा की है। फिलहाल आशा कर्मियों का मासिक वेतन 6,000 रुपये है। हिमालयी राज्य में लगभग 700 आशा कर्मी है। तमांग ने बीते बुधवार को मनन केंद्र में एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ये घोषणा की। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने एक अजीबोगरीब आदेश में अपने कैबिन क्रू को ठीक ढंग से और जरूरी तौर पर अंडरगारमेंट्स पहनने के लिए कहा है। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शिया बहुल इलाके में आज तड़के बम ब्लास्ट हुआ। इसकी चपेट में आने से 19 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हुए हैं। वहीं कनाडा ने साफ तौर पर इसका खंडन किया है कि उसने भारत जाने वाले अपने नागरिकों को सीमांत राज्यों जैसे पंजाब, राजस्थान और गुजरात में न जाने जैसा कोई निर्देश नहीं दिया। तो उधर यूक्रेन के 4 रूस नियंत्रित क्षेत्रों को रूस में जोड़ने की तैयारी की जाने लगी है। रूस 30 सितंबर यानी कि आज शुक्रवार को यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर औपचारिक रूप से कब्जा कर लेगा। इसी बीच पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ हजारों किसान सड़कों पर उतर गए हैं। किसान इत्तेहाद के नेतृत्व में किसानों का उग्र प्रदर्शन जारी है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने एक अजीबोगरीब आदेश में अपने केबिन क्रू को ठीक ढंग से और जरूरी तौर पर अंडरगारमेंट्स पहनने के लिए कहा है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक PIA का कहना है कि केबिन क्रू की पोशाक के साथ एयरलाइन की एक नकारात्मक छवि को प्रदर्शित किया जा रहा है जो यात्रियों पर खराब प्रभाव छोड़ रहा है। एयरलाइंस ने अपने नए आदेश के लिए पाकिस्तान सरकार की नई अधिसूचना का सहारा लिया है और इसे सख्ती से पालन करने के लिए कहा। PIA ने महाप्रबंधक अमीर बशीर द्वारा भेजे गए एक निर्देश में कहा गया है कि ये बहुत चिंता की बात है कि कुछ केबिन क्रू यात्रा करते समय होटलों में रहने और विभिन्न प्रकार के दौरे के दौरान कैजुअल कपड़े पहनते हैं। इस तरह की ड्रेसिंग यात्रियों पर एक खराब प्रभाव छोड़ती है। ये व्यक्ति की नकारात्मक छवि को चित्रित करती है। बशीर ने कैबिन क्रू को उचित अंडरगारमेंट्स के ऊपर अनिवार्य रूप से सादे ड्रेस में खुद को ठीक से तैयार करने के लिए कहा है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले कपड़े हमारे सांस्कृतिक और राष्ट्रीय नैतिकता के अनुसार होने चाहिए। ग्रूमिंग अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे हर समय कैबिन क्रू की निगरानी करें और अगर नियमों का पालन नहीं होता है तो रिपोर्ट करें। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शिया बहुल इलाके में आज तड़के बम ब्लास्ट हुआ। इसकी चपेट में आने से 19 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हुए हैं। तालिबान की ओर से नियुक्त प्रवक्ता खालिद जदरान ने बताया कि दश्ती बारची इलाके में ये विस्फोट हुआ है। इस क्षेत्र में अधिकतर अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक शिया समुदाय के लोग रहते हैं। विस्फोट की तत्काल किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। रिपोर्ट के मुताबिक दश्ती बारची इलाके में एक एजुकेशन सेंटर में आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। मृतकों और घायलों में ज्यादातर हाईस्कूल के छात्र और छात्राएं हैं। ये बच्चे यहाँ पर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। इसे काज हायर एजुकेशन सेंटर के तौर पर जाना जाता है जो बच्चों को कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराता है। साल भर पहले अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद से इस तरह के एक के बाद एक हमले हुए। इसी महीने 23 तारीख को काबुल में एक मस्जिद के पास कार बम विस्फोट में 7 लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई बच्चों समेत 41 अन्य घायल हो गए थे। मस्जिद के समीप सड़क के किनारे विस्फोटकों से लदी गाड़ी खड़ी कर दी गई थी। जुमे की नमाज के बाद नमाजी जब मस्जिद से बाहर आ रहे थे तब उसमें विस्फोट कराया गया। ऐसी जानकारी आई थी कि कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी में पाकिस्तान की सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी तक के इलाकों में न जाने को कहा है क्योंकि गुजरात, राजस्थान और पंजाब के इन इलाकों में लैंडमाइन और विस्फोटक का खतरा है। अब कनाडा की ओर से साफ तौर पर इसका खंडन किया गया है कि उसने भारत जाने वाले अपने नागरिकों को सीमांत राज्यों जैसे पंजाब, राजस्थान और गुजरात में न जाने जैसा कोई निर्देश नहीं दिया। दरअसल कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों में हाल में बेहद तेजी देखी गई। बीते 29 सितंबर को ओंटारियो में खालिस्तानियों द्वारा एक अलग देश खालिस्तान की मांग को लेकर जनमत संग्रह का आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम सिख फॉर जस्टिस ने आयोजित कराया था। भारतीय दूतावास ने कनाडा विदेश मंत्रालय से शिकायत करते हुए जनमत संग्रह कराए जाने का विरोध किया। हालांकि कनाडा ने विचार रखने की आज़ादी बताकर इस कार्यक्रम पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद भारत ने 23 सितंबर को कनाडा में भारतीय नागरिकों और छात्रों को देश में बढ़ती अपराधों और भारत विरोधी गतिविधियों के बीच सतर्क रहने के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। इस एडवाइजरी में कहा गया था कि कनाडा में हेट क्राइम, सांप्रदायिक हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियां काफी बढ़ गई है।
यूक्रेन के 4 रूस नियंत्रित क्षेत्रों को रूस में जोड़ने की तैयारी की जाने लगी है। रूस 30 सितंबर यानी आज शुक्रवार को यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर औपचारिक रूप से कब्जा कर लेगा। इन 4 क्षेत्रों के प्रमुख क्रेमलिन के सेंट जॉर्ज हॉल में रूस में शामिल होने के लिए संधियों पर हस्ताक्षर करेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी क्रेमलिन के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्रेमलिन के हवाले से रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन एक ऐतिहासिक भाषण के बाद आधिकारिक रूप से यूक्रेनी क्षेत्रों पर कब्जा कर लेंगे। क्रेमलिन ने इससे पहले दावा किया था कि यूक्रेन के कब्जा वाले क्षेत्रों दोनेत्स्क, लुहानस्क, जापोरिजिया और खेरसोन में जनमत संग्रह में लगभग 99% लोगों ने रूस के समर्थन में समर्थन दिया है। यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने इस जनमत संग्रह का विरोध किया है। इस पर रूस ने यूरोपीय देशों को 2 टूक शब्दों में कहा है कि एक बार इन इलाकों में रूस में शामिल हो जाने के इन क्षेत्र में हमला होता है तो इसे सीधे रूस पर हमला माना जाएगा। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते यूक्रेन के डोनेट्स्क, लुहानस्क, जापोरिजिया और खेरसोन क्षेत्र में तथाकथित जनमत संग्रह की घोषणा करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अगर रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है तो वे परमाणु हथियारों से इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ हजारों किसान सड़कों पर उतर गए हैं। किसान इत्तिहाद के नेतृत्व में किसानों ने दूसरे दिन इस्लामाबाद के रेड जोन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बिजली और उर्वरकों की उच्च लागत का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी न होने पर डी चौक क्षेत्र की ओर मार्च करने की धमकी दी है, जहाँ महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठान स्थित है। जानकारी के अनुसार कल भी प्रदर्शनकारी किसान जिन्ना एवेन्यू पहुंचे। यहां पर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए प्रदर्शनकारी किसान डी चौक रेड जोन की ओर बढ़ गए। इसी बीच एक्सप्रेस रोड और उससे सटे हाईवे पर धरने के कारण भारी ट्रैफिक जाम हो गया। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद अभी तक प्रदर्शनकारियों से बातचीत नहीं हो पाई। किसानों की मांग है कि 5.03 रुपए प्रति यूनिट के पिछले ट्यूबवेल बिजली शुल्क को बहाल किया जाए और सभी करों को माफ किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने खाद की कालाबाजारी को समाप्त करने, कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई करने और यूरिया की दर में कमी की मांग की है। किसानों की ये भी मांग है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि सरकार ने अभी तक उनके साथ बातचीत करने के लिए कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा, केवल स्थानीय प्रशासन ने उनसे धरना के लिए जगह उपलब्ध कराने के लिए बातचीत की है। तो बीकेबी न्यूज की आज के इस खास पेशकश में अब बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।